इसको तो बैन करना ही होगा। इस प्रकार का देश विरोधी, धर्म विरोधी, दलित विरोधी ये कंटेंट अलाउ नहीं किया जा सकता। हमने आज एक लीगल नोटिस अमेजन वेब सीरीज को भेजा है कि इसको तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से आप तांडव को हटाएं, अन्यथा आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाएगी। ये लीगल नोटिस उनके अमेजन के दिल्ली के हेड ऑफिस में हम लोगों ने आज भिजवाया है। और इसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि सीन बाय सीन किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है, किस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की भड़काऊ कंटेंट इसमें डाला गया है तांडव में, किस प्रकार से दलित समाज का बार बार मजाक उड़ाना, उनका उपहास करना, इसकी कोशिश की गई है तांडव में, इसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार ने भी एक नोटिस इश्यू किया है अमेजन को इसको हटाने के लिए, और हम लोगों ने भी इसके खिलाफ एक क्रिमिनल नोटिस, लीगल नोटिस अमेजन को भेजा है। यूपी में भी इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सारे देश में बहुत ही ज्यादा आक्रोश है। मुझे लगता है कि तांडव को तो हटाना ही चाहिए, और अब समय आ गया है कि देश में OTT प्लेटफॉर्म इनको रेगुलेट किया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी हमारे बच्चों के मन में, युवाओं के मन में कुछ भी जहर बोने की कोशिश करेगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे। इसको रेगुलेट करने का समय आ गया है।